Good morning students of class 6. Today we are going to proceed our chapter number 8, that is body movement. So students, today we are going to study about the types of joints. आज हम बात करने वाले हैं कुछ तरह के joints की. In our previous video, we have studied about the joints. हमने पहले joints के बारे में पढ़ा. अब हम आज जानेंगे कि how many types of joints are there. So first we will study about the hinge joint. सबसे पहले हम जानेंगे hinge joint के बारे में, ठीक है? So what is hinge joint? A hinge joint allows the movement bones in only one direction, forwards and backwards, ठीक है? ये hinge जो joint होते हैं, ये केवल one direction में move करने वाले joints होते हैं. For example, जैसे कि आप doors को देखते हैं, ठीक है? So doors can move या तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. आप देखते हैं कि डोर जो है या तो वो बाहर की तरफ खुलता है या तो फिर अंदर की तरफ खुलता है, ठीक है ना? तो ऐसा इसलिए होता है कि उसके बीच में हिंज होते हैं. हिंज जिसे आप हिंदी में कहते हो कब्जा, ठीक है? उसी तरीके से हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में भी राउंड सर्किट होते हैं, ठीक है? इसी तरीके से हिंज होता है बीच में, जिसकी वजह से हमारे ये जॉइंट्स जो है वो केवल वन डायरेक्शन में मूव करते हैं. क्लियर? ये जॉइंट्स हमारी बॉडी में कहाँ पाए जाते हैं? सो द इन आवर बॉडी हिंज जॉइंट्स ऑकर एट एल्बो, नी, नकल्स. नकल्स मीन्स टू बोन्स ऑफ फिंगर्स. क्लियर? एंड जॉ, ठीक है? So, हमारी बॉडी में ये जो हिंज जॉइंट्स पाए जाते हैं, ये आपके एल्बो में पाए जाते हैं. सी योर एल्बो, ये आपकी एल्बो जो है वो वन डायरेक्शन में मूव करती है. अगर आप इसको पीछे की तरफ मूव करना चाहो तो ये मूव नहीं हो सकते. सो ये क्या है? आपके हिंज जॉइंट हैं. नेक्स्ट है आपका, देखिए नी. आप अपने नी को देखते हैं, वो वन डायरेक्शन में मूव करती हैं, ठीक है? फिंगर्स हैं आपकी, जिसे नकल्स बोलते हैं. दीज फिंगर्स देखिए वन साइड मूव कर रही है. अगर हम इनको पीछे मूव करना चाहते हैं तो ये पीछे मूव नहीं करते हैं. सो ऐसे जॉइंट्स जो वन डायरेक्शन में मूव करते हैं, जैसे कि हमारे एल्बो जॉइंट्स, नी जॉइंट्स, फिंगर्स के जॉइंट्स एंड जॉ. हमारा ये जॉ, जिसे हम जबड़ा भी कहते हैं, ये भी हमारा वन साइड मूव करता है, ठीक है? सो दैट जॉइंट्स, those joints that move only in one direction, that are called hinge joint. ठीक है? वो joints जो केवल one direction में move करते हैं, उन्हें हम hinge joint कहते हैं. And these joints are found in our elbow, knee, jaw and fingers. ठीक है? ये joints कहाँ पाए जाते हैं? ये joints हमारे पाए जाते हैं knee में, elbow में, fingers में and jaw में. Clear? Now, next है आपका ball and socket joint. Next, ball and socket joint. In the ball and socket joint, the bones can be turned in any direction, forwards and backwards, side to side and even rotated. Ball and socket joint, ये जो joints होते हैं, ये freely कहीं पर भी मूव करते हैं, यानी पूरी डायरेक्शंस में मूव करते हैं, चारों डायरेक्शन में फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है? ये ऐसे इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो जॉइंट्स हैं, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जैसा कि नेम ही है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये एक तरीके का सॉकेट होते हैं. बॉल होते हैं और उसमें सॉकेट लगे होते हैं, जिसमें कि आपके जो जॉइंट्स हैं वो उसमें फिट रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है? जिससे कि वो ईजिली मूव कर सकते हैं, रोटेट करते हैं. और ये जो बोन्स हैं, सॉरी ये जो जॉइंट्स हैं, ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? सो दीज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स ऑकर एट द शोल्डर एंड हिप. और ये जो पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके शोल्डर में और हिप में. तभी तो आपका शोल्डर का, आप देखते हैं शोल्डर पे आपका हाथ जो है वो फ्रीली मूव करता है, चारों डायरेक्शन में मूव करता है ना? हिप जो है वो भी आपकी मूव करती है, ठीक है ना? तो ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है, ये पाए जाते हैं आपके हिप में और शोल्डर में. क्लियर? अच्छा, और ये इसकी खासियत क्या है कि इसमें आपके ये इट कैन बी टर्न्ड इन एनी डायरेक्शन. सो व्हाट आर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स? सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आर दोज दैट टर्न इन
एनी डायरेक्शन, जो कि किसी भी डायरेक्शन में मूव करें, दो वो हुए आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स. एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स? सो द शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स आर द एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ये दोनों ही एग्जांपल आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के हो गए. ठीक है, फिगर्स यू कैन सी इन योर पिक्चर बुक. आप अपनी बुक में यहाँ पे फिगर्स बने होंगे, आप अपनी बुक में देखिए, वहाँ पर आपका हिंज जॉइंट का भी फिगर बना हुआ है, जिसमें कि आपका एल्बो का फिगर बना है, नी का फिगर बना है. उसको आप ध्यान से देखिए कि किस तरीके से उसमें सॉकेट है, सॉरी किस तरीके से उसमें हिंज है. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के भी आपके फिगर्स बने हुए हैं, आप उस फिगर्स को बहुत ध्यान से देखिए कि उसमें किस तरीके से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, शोल्डर के बोन्स किस तरीके से उसमें फिट है. ठीक है, फिगर देख के आपको समझ में आ जाएगा. द नेक्स्ट जॉइंट इज पाइवोट जॉइंट. अब जो नेक्स्ट जॉइंट है वो है आपका पाइवोट जॉइंट्स. सो इन अ पाइवोट जॉइंट अ सिलेंड्रिकल बोन टर्न्स इन अ रिंग टाइप बोन. द पाइवोट जॉइंट्स अलाउ रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस. अच्छा, ये जो पाइवोट बोन्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, ये सिलेंड्रिकल टाइप के बोन्स होते हैं. ठीक है ना, और ये जो बोन्स हैं ये हमारे नेक में पाए जाते हैं. इस तरह के जो बोन्स, जो सिलेंड्रिकल टाइप के बोन्स होते हैं, वो आपके नेक में पाए जाते हैं. क्लियर है? सो इन अ पाइवोट जॉइंट अ सिलेंड्रिकल बोन्स, किस टाइप के बोन्स? सिलेंड्रिकल बोन्स. ये जो बोन्स होते हैं ये सिलेंड्रिकल्स होते हैं, जो कि रिंग टाइप के होते हैं. ठीक है, एज यू कैन सी इन योर बुक ऑल्सो, अपनी बुक में देख सकते हैं, इस तरह के बोन होते हैं और जो कि रोटेशन मतलब अपनी ही जगह पर मूव करते हैं. ठीक है, ये छोटे छोटे से सिलेंड्रिकल बोन्स होते हैं जो आपके नेक में पाए जाते हैं, और ये जो है ये रोटेशन करते हैं. एज यू कैन मूव योर हेड डाउनवर्ड, अपवर्ड, राइट, लेफ्ट, तो ये इस तरीके से ये रोटेट कर सकते हैं. ठीक है ना, सो अ पाइवोट जॉइंट एग्जिस्ट बिटवीन आवर स्कल और नेक, अलाउज आवर हेड टू बेंड अप एंड डाउन एंड टर्न फ्रॉम साइड टू साइड. सो ये जो पाइवोट जॉइंट है, मैंने आपको बताया ये पाइवोट जॉइंट आपके कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके नेक में पाए जाते हैं. क्लियर? ठीक है, सो आवर स्कल और नेक, ठीक है, हमारे स्कल और नेक के बीच में ये जॉइंट्स पाए जाते हैं. और ये जो जॉइंट्स है, मैंने अभी आपको बताया कि ये जॉइंट्स जो है अप डाउन राइट लेफ्ट इस तरीके से ये मूव कर सकते हैं. एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो बोन्स होते हैं, ये जो जॉइंट्स होते हैं, ये आपके रोटेट कर सकते हैं. आप अपनी नेक को रोटेट करते हैं ना, तो ये आपका क्या है? पाइवोट जॉइंट. क्लियर? सो नेक्स्ट है अनदर पाइवोट जॉइंट्स ऑकर इन द फोर आर्म. द फोर आर्म हैज टू बोन्स, रेडियस एंड उल्ना. अच्छा, पाइवोट जॉइंट आपके फोर आर्म्स में भी पाए जाते हैं. फोर आर्म्स दैट इज दिस वन, मतलब नीचे वाली जो आर्म आपकी होती है ये आपकी फोर आर्म कहलाती है. और इसमें टू बोन्स पाए जाते हैं, एक होती है आपकी रेडियस और दूसरी होती है उल्ना. क्लियर? ये दोनों ही बोन्स आपस में मूव करते रहते हैं. ठीक है ना, हाँ, बराबर मूव करते रहते हैं. तो ये जो बोन्स आपके हैं पाइवोट जॉइंट्स, ये पाइवोट जॉइंट्स बेसिकली आपके नेक में और जो कि फोर आर्म्स में पाए जाते हैं. क्लियर? और ये जो आपके जॉइंट्स होते हैं ये चारों तरफ मूव कर सकते हैं, मतलब कि रोटेट कर सकते हैं. क्लियर? नाउ फिक्स्ड जॉइंट्स. ठीक है, सो In some joints, the bones are held so tightly together that they cannot move at all. Such joints are called fixed joints. So, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, fixed joint. Fixed means to जो मूव ना करती हो, that is called a fixed joint. ठीक है, इसे हम एक तरीके से immovable joint भी कह सकते हैं. So, ये जो joints होते हैं ये एक जगह fixed रहते हैं. ठीक है, एक जगह पे fixed रह के काम करते हैं. और ऐसा नहीं होता है कि इसमें जो फिक्स्ड जॉइंट में बोन्स होती हैं वो सिंगल बोन होती हैं. ठीक है ना, इसमें कई बोन्स से मिलकर ये जो है जॉइंट, मतलब ये बोन्स जो है वो बनी होती है. ठीक है, सो नंबर टू है द फिक्स्ड जॉइंट्स आर इमूवेबल जॉइंट्स. जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि फिक्स्ड जॉइंट्स जो है वो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं. ठीक है,
सो फिक्स जॉइंट्स ऑकर इन अवर स्कल एंड हिप बोन. और ये बोन कहाँ पाई जाती हैं? ये बोन्स हमारी पाई जाती हैं स्कल में एंड हिप बोन में. इसे प्रीवियस वाले वीडियो में भी मैंने आपको क्लियर किया था कि हमारा जो स्कल है वो लगता है कि हमारा पूरा स्कल सिंगल बोन से बना हुआ है, बट ये ट्रू नहीं है. हमारी जो स्कल की बोन्स हैं वो भी हमारी कई बोन्स से मिलकर बनी हुई है, बट वो सारे ही बोन्स क्या है, आपस में फिक्स्ड हैं. क्लियर? और इसमें हमारा केवल हमारे स्कल में ही, वैसे तो हमारा ये पूरा फेस आ जाता है हमारे स्कल में, और पूरे स्कल में अगर हमारा कोई पार्ट मूव करता है तो वो है हमारा लोअर जॉ. अपर जॉ तक एकदम फिक्स्ड रहता है और हमारा केवल लोअर जॉ मूव करता है. और हमने अभी बताया कि ये जो लोअर जॉ है हमारा, ये कौन से जॉइंट में आता है? हिंज जॉइंट में आता है. क्लियर? उसी तरीके से हमारी हिप्स में भी, हमारी हिप जो लगता है कि ये एक सिंगल बोन से बनी हुई है, ऐसा नहीं है. हमारे हिप में भी कई सारी बोन्स हैं और वो सारी बोन्स मिलकर हमारी हिप बनाती हैं, मीन्स टू हमारे एक बोन को कन्वर्ट करती हैं. और ये जो बोन है आपकी हिप बोन कनेक्टेड रहती है बैक बोन से. क्लियर? और हमारा जो स्कल है वो हमारा किस, वो भी हमारा बैक बोन से, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड रहता है. तो इसीलिए ये जो बोन्स होती हैं ये फिक्स्ड कहलाती हैं, क्योंकि ये अपनी जगह से मूव नहीं करती हैं. सो स्टूडेंट्स, व्हाट्स योर होमवर्क? यू हैव टू ड्रॉ एंड लेबल द डायग्राम्स ऑफ, आपको क्या करना है, ये सारे के फिगर्स बनाने हैं. जैसे कि नी, जो कि आपका हिंज ज्वाइंट है, शोल्डर दैट इज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, नेक जो कि पाइवोट ज्वाइंट है, स्कल जो कि आपकी फिक्स्ड ज्वाइंट है. सो ये सारे ही ज्वाइंट्स आपको ड्रॉ करने हैं और लेबल भी करना है. यू हैव ऑल्सो मैंशन विच टाइप ऑफ ज्वाइंट इज दैट, आपको ये भी मैंशन करना होगा कि ये कौन सा ज्वाइंट है. क्लियर? फिर से समझा रहे हैं कि आपको फिगर पूरा ड्रॉ करना है. ये सारे ही जितने भी हैं, ये सारे ही आपको इनके डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं, इनको लेबल करना है, और आपको ये भी लिखना है ये कौन से जॉइंट्स हैं. क्लियर? सो थैंक यू स्टूडेंट्स.